नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केन्या में पीएम मोदी बोले, मानवता में भरोसा करने वाले आतंकवाद को हराने के लिए साथ आए। आतंकवाद को दुनिया के सामने खड़ी दो बड़ी चुनौतियों में से एक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों को इस मानवता विरोधी समस्या को पराजित करने के लिए साथ आना होगा। दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मोदी ने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले जितना जल्दी साथ आएंगे, उतनी ही जल्दी आतंकवाद को खत्म किया जा सकेगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भारत रास्ता दिखा सकता है। चार अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मोदी कीनिया पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने करीब 20,000 भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 22 मृत। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लापता है। राज्य में पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बारिश के कहर से उज्जैन, विदिशा, मंदसौर, सीहोर में बाढ़ आ गई है। सीहोर में बाढ़ की वजह से 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क अन्य जगहों से टूट गया है। सतना में भी 40 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा में भी नदियां उफान पर है। असम में बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में मोरीगांव जिले में स्थित वन्य जीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से 60% भर गया है। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश की वजह से होने वाली समस्याओं से परेशान हैं। मौसम विभाग भोपाल के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों के अलावा राज्य की राजधानी के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश होने की संभावना है। विवादित उपदेशक जाकिर नाइक पर हो सकती है कार्रवाई। दूसरे धर्मों के खिलाफ विवादित बयान देने और आतंकवाद का समर्थन करने वाले भारतीय इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के पीस टीवी चैनल पर बांग्लादेश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि भारतीय जांच एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नाइक पर आरोप है कि उनकी प्रेरणा से बांग्लादेश में आतंकी हमला हुआ और हैदराबाद में पकड़े गए आतंकवादी भी उनके उपदेशों से प्रभावित थे। उन पर आरोप है कि वह अपनी तकरीर से मुस्लिमों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जाकिर लादेन और अलकायदा की भी तारीफ कर चुके हैं। मुंबई पुलिस, एएनआई और आईबी की टीमें जाकिर के भाषणों और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ ही उन्हें मिलने वाले विदेशी चंदे की FCRA कानून के तहत जाँच कर रही है। सरकार के लिए जाकिर को गिरफ्तार करना चुनौती भरा काम होगा। सरकार का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही जाकिर पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आतंकवादी हाफिज सईद से भी उनके संबंधों की जाँच हो रही है। इसी बीच जाकिर के मक्का से भारत लौटने की खबर के चलते उनके निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस, एनआई और आईबी की टीमें जाकिर के भाषणों और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ ही उन्हें मिलने वाले विदेशी चंदे की FCRA कानून के तहत जांच कर रही है। सरकार के लिए जाकिर को गिरफ्तार करना चुनौती भरा काम होगा। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही जाकिर पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आतंकवादी हाफिज सईद से भी उनके संबंधों की जांच हो रही है। इस बीच जाकिर के मक्का से भारत लौटने की खबर के चलते उनके निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।